हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट 10 है। अब पार्ट 9 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि एक पासे की दो स्थितियाँ प्रदर्शित हैं, यदि 3 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे तली में क्या होगा, ठीक है। अगर 3 किसी पासे के अगर ऊपर है तो उसके नीचे तली यानी उसके अपोजिट यानी नीचे क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, विद इन सेकेंड। आप बिना पेन यूज़ किए भी कर सकते हो। फिर मैं पहले करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, 3, 5, 6, 4, 5, 1। तो अब ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये देखना है कि पासे का एक पासे में जो बेस है, अब उस बेस में कॉमन कौन सा है, ठीक है। यहाँ एक बेस है, ये एक बेस है, ये एक बेस है, ठीक है। इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, तो यहाँ देखोगे कि यहाँ कॉमन पार्ट आपको दिख रहा होगा 5, है ना। यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, ठीक है। तो जब हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो आपको करना क्या है, हम लोग इसको रोटेट करेंगे घड़ी की दिशा की तरफ, यानी घड़ी का दिशा, जैसे घड़ी जैसे घूमती है वैसे हम लोग इसको रोटेट करेंगे। तो ये 5, तो पहले हम लोग 5 को लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद 5 के बाद क्या है 6, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6, देन 6 के बाद 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले डाइस में हम लोग फिर देखेंगे, इसमें भी कहाँ से कॉमन है 5, तो 5, तो 5 के नीचे 5 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वहीं से घड़ी की दिशा की तरफ हम इसको रोटेट करेंगे। तो 5 के बाद हो गया 1, तो 5 के बाद 1, देन उसके बाद ये 4, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4, ठीक है। अब आपको पूछ क्या रहा है, अपोजिट यानी अगर ऊपर 3 है तो उसके नीचे क्या होगा। तो देखोगे 3 कहाँ है, यहाँ 3 है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा 4, यानी 3 अगर ऊपर है तो उसके नीचे क्या होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी। तो अगर इस क्वेश्चंस को मैंने करके दिखाया, अगर आप विद इन सेकेंड करना चाहते हो तो भी दिखा देते हैं कैसे करोगे बिना पेन यूज़ किए। सबसे पहले डाइस को आप देख लोगे, दोनों डाइस में कॉमन क्या है, तो कॉमन आपका क्या दिख रहा है 5 कॉमन है, ठीक है। अब उसके बाद हम रोटेट कैसे करेंगे, घड़ी की तरह ही रोटेट करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो यहाँ 3 कहाँ है, इसके इधर, तो इधर से जाएंगे तो हमको दो बार घूमना होगा। इधर से अगर हम लोग घूम ले तो 5 के बाद क्या होगा 3, तो यहाँ 5, तो 5 के बाद क्या है यहाँ 4, यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है क्या कि दिए गए श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी अगली संख्या क्या है, ये क्वेश्चन मार्क, इसे हमको फाइंड करना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, ये देखोगे ये अल्फ़ाबेट्स में है, ठीक है ना। तो अब पहला यहाँ लेटर देखोगे कि ये जो है एफ जी सी का पहला लेटर ये एफ है, और सेकेंड वाला एच एच ए का फर्स्ट लेटर एच, देन थर्ड में फर्स्ट लेटर क्या है जे। तो हम लोग कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, इसके साथ इसको, फिर इसको, फिर अगर जिस प्रोसेस में होगा उसी प्रोसेस में नेक्स्ट वाला हम लोग फाइंड करेंगे। तो एफ, एफ के बाद एच कब आएगा, एफ जी एच, दो नंबर पे, यानी दो बढ़ रहा है, एफ जी एच, फिर एच से जे, आई जे, दो हुआ यानी दो दो करके बढ़ रहा है। तो जे के बाद हम लोग फिर दो काउंट करेंगे, के एल, यानी हो गया पहला आपको मिला एल, ठीक है। पहला लेटर आंसर का क्या होगा, एल होगा। तो आप देखोगे ऑप्शन में कि यहाँ पहला लेटर एल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि पहला लेटर एल है, यहाँ भी पहला लेटर एल है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी आपके पास 4 ऑप्शन था, अब बचा कितना ऑप्शन, 2। अब इस 2 ऑप्शन में से कोई एक आंसर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट लेटर क्या है, जी, यहाँ एच, ये आई, तो ये कंटिन्यू हो रहा है, जी एच आई, देन उसके बाद जे, यानी उसके बाद क्या आएगा जे। तो यहाँ देखोगे जे यहाँ है, यहाँ के है, तो ये ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। तो हम लोग थर्ड वाला नहीं भी निकालेंगे तो भी मेरा आंसर क्या हो गया बी। ऐसे विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब ये लुप्त पद कौन सा है, तो ये आपको क्वेश्चन मार्क जो दिख रहा है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। दिया हुआ है क्या कि 80, 40, 60, 60, 30, 50, क्वेश्चन मार्क 20, 40।
तो सबसे पहले जब आपको ये फाइंड करना है तो आप ये देखोगे कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, या फिर ये कैसे आया, ये कैसे आया, ठीक है। तो अगर आप किसी एक साइड से देखोगे, या तो रो वाइज देखोगे या तो फिर कॉलम वाइज देखोगे, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, अगर इसे कैसे आया, तो इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे, ठीक है, तो 60 में अगर 40 को प्लस करते हैं तो ये कितना हो गया 100। अब 100 से 80 कैसे आएगा, 20 माइनस करना होगा। तो चेक करते हैं यहाँ भी प्रोसेस हो रहा है या नहीं। तो 50 प्लस 30 करेंगे तो 80, 80 से 20 माइनस करते हैं तो ये हो गया 60। तो ये प्रोसेस सही है। तो हमारा ऐसे क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके और 20 माइनस करने से आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये 60 प्लस 40 देन माइनस 20, ठीक है, ये हो गया आपका 100, में से 20 गया यानी आपको मिला 80, जो कि है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट 50 प्लस 30 करेंगे हम लोग, 50 प्लस 30 देन माइनस 20, ये तो 50 30 हो गया 80, में से 20 गया यानी हो गया आपका 60, ठीक है, जो कि 60 है यहाँ पे। उसी तरह से अब आंसर के लिए क्या होगा, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 40 में अगर हम लोग 20 को प्लस करें तो ये हो गया आपका 60, और 60 में फिर हम लोग कितना माइनस किए, 20 माइनस कर रहे थे, तो 20 को माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 40, जो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए प्रश्न में लूप पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखोगे लूप पद कहाँ है, तो ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करोगे आप, तो यहाँ देखोगे 1 0 देन 3, फिर ये घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो ये अगर एक एक को कंपेयर करेंगे तो ये नहीं होगा। तो इस तरह के सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट करते हैं, अल्टरनेट, ठीक है, एक को छोड़ के हम लोग दूसरे को देखेंगे। तो अगर इसको देखें, इन दोनों को अगर देखोगे आप, तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है, फिर एक को छोड़ के फिर इसके साथ आपको देखना है, फिर 2 का गैपिंग है, है ना। तो अभी यहाँ तक हमको 2 का गैपिंग मिला, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा होगा तो गैपिंग कितने का होगा, 2 का ही होगा। तो 5 में अगर 2 को ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, देखोगे 2 प्लस 1 यानी 3, 3 ये है 3 और ये है 2, तो 3 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 5। अब 5 में 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ होना चाहिए आपका 7, चेक करते हैं आगे 7 होगा या नहीं, ठीक है। तो अब ये फिर एक को छोड़ के इसके साथ, फिर गैपिंग कितने का है, 2, तो ये एक सीरीज में आ गया ना, 2 का गैपिंग, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 7। तो ये ऐसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, चेक कर लो कि यह भी एक क्या होगा, एक सीरीज में ही होगा, ठीक है। आप या तो आंसर आप 7 को क्लिक करके आप आगे जा सकते हो, या फिर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये भी एक सीरीज़ में ही होगा। तो ये देखोगे 0 से 2, तो अब अगर हम लोग 0 से 2 में कंपेयर करें तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है, ठीक है। अब 2 से 6, अब ये 2 से 6 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये डिफरेंस कितने का है, 4, यानी 2-2 करके इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, चेक करते आगे। ये 6 से अब ये 12 को कंपेयर करोगे तो ये हो गया आपका 6। अब देखोगे 2 4 6, यानी 2-2 करके इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ से 12 से अगर आप 20 को कंपेयर करोगे तो ये 8। अब देखो 2 4 6 8, यानी 2-2 करके इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे क्या था, फिक्स था, 2-2 करके ही बढ़ रहा था, तो आंसर क्या हो गया आपका 7, जो कि ऑप्शन नंबर था आपका सी। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए तो आप अल्टरनेट सीरीज को फॉलो करोगे, यानी एक को छोड़ के दूसरे को कंपेयर करोगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि बेड बराबर दिया हुआ है 69 और बुक बराबर दिया हुआ है 172, तो पेन बराबर क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे विद इन सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ जो 69 है, अब इसको आपको करना क्या है, बेड का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम लोग पहले काउंट करेंगे, ठीक है। बी, ये आपका हो गया बी ए टी बेड, ये हो गया आपका बी का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 2, देन ए का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1, देन टी 20 यानी हो गया आपका 20। इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। बट लाना कितना आपको 69, ठीक है।
तो अब 23 को कितने से इंटू करें कि 69 आ जाएगा, तो 3 से इंटू करते हैं तो ये हो गया आपका 69। ठीक है, अब आगे देखते हैं पहले बुक को भी लिख के हम लोग। तो ये बुक, तो बी हो गया आपका 2, देन ओ ये हो गया 15, देन अगेन ओ ये भी हो गया आपका 15, देन अब यहाँ पे के है, के का पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा आपका 11। इन तीन चारों को हम लोग क्या करें, प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 13 यानी 43। ठीक है, अब आपको लाना क्या है 172। अब 43 को कितने से इंटू करोगे जो 172 आ जाए, तो ये हो गया 4 से अगर इंटू करते हैं, 4 3 12 कैरी 1, 4 4 16 117 यानी हो गया आपका 172। तो अब देखोगे कि बेट में हम लोग 3 से इंटू किए बट बुक में हम लोग 4 से इंटू किए, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए किए क्योंकि आंसर आपको लाना था, ठीक है, बट यहाँ पे 3 से इंटू किए, ये किस प्रोसेस के थ्रू ये 3 आ गया, तो यहाँ देखोगे ये जो बेट लिखा हुआ है BAT इसमें कितने लेटर्स का है, 1 2 3 लेटर्स। अब ये हमारा क्या है, इंटू 3 लेटर्स, ठीक है, इंटू 3। अब ये बुक, बुक कितने का, कितने लेटर्स का है, यानी 1 2 3 4 4 लेटर्स का है, यानी इंटू किए हम लोग 4, यानी समझ में आ गया आप लोग को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पेन, पेन का आपको फाइंड करना है, तो पेन PEN पोजीशन लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी P का हो गया 16, E हो गया आपका 5 और 14 का हो, N हो गया आपका 14। ठीक है, प्लस कर देते हैं, तो 16 और 14 अगर प्लस करोगे तो ये हो गया 30 और ये 5 हो गया आपका 35। पेन कितने लेटर्स का है, 3 लेटर्स, यानी इंटू कितने से करेंगे हम लोग, 3 से करेंगे, तो ये हो गया 5 3 15 कैरी 1 और ये हो गया 3 3 9 1 10 यानी 105, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो मैंने करके दिखाया आपको, समझा के समझाया मैंने कैसे ये हम लोग कब 3 से इंटू हुआ, 4 से इंटू हुआ। आप लोग ये काम क्या करोगे, माइंड में माइंड में ही क्या करोगे, काउंट करोगे और आंसर को माइंड में ही फाइंड करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह चुनिए। ठीक है, ये चार ऑप्शन डायरेक्ट दिए हुए हैं ABCD। ठीक है, अब इसमें से कोई एक विषम होगा, यानी तीन जो होगा, एक तीनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, आप सेम ही होगा, मिलेगा, बट एक ऐसा होगा जो आपका विषम होगा यानी अलग होगा, तो वो अलग आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले वाले को, यानी 81 है, अब यहाँ दिया हुआ है 243, नेक्स्ट दिया हुआ है 16, 64, नेक्स्ट 64, 192, नेक्स्ट 25, 75। तब इस कंडीशन में हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो 81 से ये 243 कैसे आएगा, अगर हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करें 81 को यहाँ 3 लाना है, 1 के साथ 3 से इंटू कर दें, तो ये हो गया 3 1 3, 8 3 24 यानी 243 जो कि है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अब ये 16 से 64, तो 16 से कितने में इंटू करेंगे जो 64 आएगा, तो 16 4 जा ये हो गया आपका 64 जो कि यहाँ पे है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं, 64 से आपको लाना है 192, 64 में कितने से इंटू करोगे जो 192 आ जाए, तो अगर 4 से करते हैं तो 6 होगा, नहीं है 3 से करते हैं, अगर 3 से करोगे तो 4 3 12 जो 2 है यहाँ पे, तो 12 कैरी 1, 6 3 18 119 यानी 192 जो कि यहाँ भी है। अब आगे देखते हैं, 25 से लाना आपको 75, 25 को इंटू कर दें, 3 से इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है, जो कि है यहाँ पे, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। यहाँ देखोगे कि 81 को 3 से इंटू किए, 64 को 3 से इंटू किए और 25 को 3 से इंटू किए, तो हमारा 243, 192 और 75 मिला आपको। ठीक है, बट सेकेंड वाले में ऑप्शन नंबर बी
जो था 16 और 64। अब इस 16 को 4 से इंटू करने के बाद आपको मिला 64, यानी सबसे अलग आपको कौन दिख रहा है, तो अलग आपको यही दिख रहा है 4 वाला, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर इसका बी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और ये आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार ट्रिक्स और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।